ये जो रासा में लटपट जो लिट्टी लगा के ये मुंह में गया है ना, और जो स्वाद आया है, हाँ, स्वाद एक बार खाएंगे तो फिर मतलब लगेगा कि बार बार। दीपक सर का सर कोटि कोटि धन्यवाद कि ये जो बिहारी फ्लेवर है ना, जो धरती पे जो जादू है लिट्टी मुर्गा का, वो लेना होगा तो आपको यहाँ नौबतपुर के कराई गांव में आना पड़ेगा। सेवा देना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, जो लोग आ रहे हैं उनको देसी मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा, देसी अंडा और बटेर, अच्छा, जो भी चाहते हैं हम लोग बना के उनको दे रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वाद की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और इस वक्त हैं हम नौबतपुर के एक गांव में जिसका नाम है कराई, और आप देख रहे हैं फूडी ब्लॉग। मैं हूं पवन कुमार सिंह। तो चलिए आज एक ऐसे रेस्टोरेंट पर हम विजिट करने आए हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरल है। यहाँ पर कुर्सी टेबल पर बैठ करके ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करना है, आप जो खाने का मन हो, देसी मुर्गा, बटेर, कड़कनाथ, आप सीधे फार्म से उसे ज़िंदा पकड़वाइए और आँखों के सामने बनवाइए। बिल्कुल जो ग्रामीण पैटर्न होता है, जो देहाती पैटर्न होता है, लकड़ी पे बनवाना है लकड़ी पे बनवा लीजिए, चाहे तो आप गैस पे भी बनवा लीजिए। तो देखिए आज हमने यहाँ पर कड़कनाथ खाने की इच्छा जताई है और देखते हैं कि आज जो कड़कनाथ का जो स्वाद है, पहली बार जो है हमारे जीवन में ये मिलेगा मुझे। और देखिए ये अंदर कड़कनाथ है, ये कड़कनाथ इसमें केवल रहते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? चंदन नाम हुआ सर। चंदन जी आप ही कड़कनाथ बनाएंगे? बनाएंगे। अच्छा, तो यहीं से कड़कनाथ पकड़े जाएंगे और इसी में से पकड़ के आप बनाएंगे? हाँ। तो यहाँ पे जो विजिटर्स आएंगे क्या इसी तरह से आप लोग का ये चलेगा? ऐसा ही चलेगा सर। अगर वो बोलेंगे कि देसी मुर्गा तो एकदम आप यहाँ पर देसी मुर्गे के फार्म से उनको ताज़ा ताज़ा मुर्गा पकड़ करके और बना के खिलाइएगा, कमाल है भाई। और दोस्तों बता दूँ एक बार फिर से कि बिहार में ये ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बीच गाँव में एक ऐसा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल तैयार किया गया है, जो दीपक जी हैं इंजीनियर हैं उनके सौजन्य से, और बहुत ही अनोखा यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर मछली का फार्म है, देसी मुर्गा का फार्म है, कड़कनाथ, बटेर और भी बहुत सारे यहाँ पे हंस हैं, खरगोश हैं, मतलब तमाम तरह की जो है फार्मिंग भी की जा रही है। और साथ साथ में एक ऐसा लाजवाब रेस्टोरेंट है जहाँ पर आकर आप बहुत ही मज़ेदार जैसे देहात में आप खाते हैं, और बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि कुछ ऐसा माहौल मिले ना कि वो लीक से हट के हो, तो बिल्कुल वैसे ही आप जब यहाँ पर आएंगे तो वैसा ही माहौल बिल्कुल आपको मिलेगा। और देखिए यहाँ पर कड़कनाथ मुर्गा पकड़ रहे हैं। अरे सर देखिए एक मुर्गा यही है कड़कनाथ, वाह। बस आज यही हम लोगों की रेसिपी है और यही डिश बनेगी, तो चलिए बने रहिएगा और इसकी मुर्गा बनाने की तैयारी आप ही को करनी है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चलते हैं जहाँ मुर्गा बनाएंगे आप लोग। लीजिए पकड़िए सर, ये कितने कितना वजन है? 1 किलो का लपेट होगा सर। 1 किलो का लपेट? जी जी। अच्छा जी। कितने बड़े साइज के हैं यहाँ पर? 1 किलो 200 ग्राम और 1 किलो के साइज में इतने। अच्छा, सर, इसमें आप आ जाएं। तो ये मोटा मोटी हमारे जो विजिटर्स यहाँ आएंगे तो 1 kg का अगर कड़कनाथ का एवरेज रखा जाए तो क्या उनको पड़ता है? अच्छा सर यहाँ पर हैं, आ गए हैं, वाह। सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत है फिर से एक बार बिहार स्टडी के चैनल पर। आपका भी हार्दिक स्वागत है। देखिए आज आपके फार्म पे हम कड़कनाथ खाने आ गए हैं, क्योंकि सुना था आपने पिछली बार बोला था कि हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था है, तो हमने कहा कि चलो भाई चेक करते हैं, और लगता है कि आप जो रेस्टोरेंट बनने की प्रक्रिया भी है वो लगभग पूर्ण हो रही है। जी जी पूर्ण हो रही है, और हम लोग अब मैंने सेवा देना शुरू कर दिए हैं। जो लोग आ रहे हैं उनको देसी मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा, देसी अंडा और बटेर, अच्छा, जो भी चाहते हैं हम लोग बना के उनको दे रहे हैं। और वेजिटेरियन के लिए भी हमारे यहाँ सब सब्जियाँ जो हैं एकदम ऑर्गेनिक सब्जी निकलने लगी है, फूल गोभी, बंधा गोभी और बैंगन, टमाटर, ये सारा चीज़ निकलने लगा है। और जो भी आ रहे हैं या दूध के पनीर के सब्जी खाना चाहें, मशरूम भी मेरा अब निकलने वाला है, तो जो भी यहाँ पर्यटक आना चाहें आ सकते हैं और उनको बना के ये सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेगी। यानी कि वीकेंड में आए और मज़े करें जी, और खास करके सैटरडे संडे में आप यहाँ आ सकते हैं और सोचिए लुत्फ उठा सकते हैं
सकते हैं जायके का। तो चलते हैं सर, थोड़ा सा उधर भी बातचीत करते हुए देखे कि आगे क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो आइए, तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है सामने, यही जो है देहात में जो रेस्टोरेंट खुल रहा है, ये सामने दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है और कितनी अच्छी, यहाँ तो गर्मी में भी काफ़ी ठंडक फील होगी। हाँ हाँ, एकदम गर्मी में चारों तरफ आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े सागवान के पेड़ हैं, पेड़ के नीचे ये झोपड़ी बना हुआ है और झोपड़ी के अंदर चलिए देखिए वहाँ हम लोग केज बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो देखिए यहाँ पे चेयर पिछली बार नहीं लगी हुई थी, अब चेयर वेयर भी लग चुकी है ना। जी, चेयर लग चुकी है और ये केज भी बन गया है। अब इस केज में तरह तरह के हम लोग सब रंगीन चिड़िया जो होती है सब हम लोग रखेंगे, लव बर्ड्स हो गया और भी जितने तरह की चिड़िया होती हैं रहेंगे, और यहाँ टेबल कुर्सी लगे रहेंगे और लोग यहाँ आएंगे, खाएंगे और चिड़ियों को देखेंगे। और देखते हैं सर के साथ कि और इस बीच में क्या क्या कुछ नया यहाँ हमें दिख रहा है। तो इस बगल मैं देख रहा हूँ कि एक ग्रीन शेड यहाँ लगा हुआ है और उधर कुछ झूले वगैरह भी लग चुके हैं, तो क्या क्या तरक्की हुई है सर अभी? हाँ देखिए, अभी मेरा ये हम लोग नर्सरी तैयार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, और नर्सरी तैयार, ये नर्सरी कुछ खास तरक्की है क्या? हाँ, ये खास तरक्की ये है कि मतलब यहाँ सभी तरह के पौधे रहेंगे। अच्छा, और आपको औषधीय पौधे रहेंगे और फल के रहेंगे, फूल के रहेंगे और ऑक्सीजन प्लांट जो कहते हैं वो रहेंगे। तो एक बात बता दे सर, तो इस नर्सरी में से कुछ अगर ऐसे पौधे हमारे मित्रों को चाहिए होगा तो क्या वो लोग शुल्क दे के ले सकेंगे? हाँ हाँ, हम लोग कम कीमत पर। अच्छा, अच्छा, और जगह से कम कीमत पर ये फ्लावर उपलब्ध कराएंगे। जैसे मार्केट में आप जाइएगा ना तो ये सब पौधे 120 रुपया 140 रुपया, मैंने 200 रुपया मिलेगा, और बहुत सारे तो मिलते भी नहीं है। अब मिलते भी नहीं है, तो यहाँ सारे तरह के फूल पौधे, औषधीय पौधे, फल के पौधे सब उपलब्ध रहेंगे और मार्केट से कम। अभी हम लोग ये सारे पौधे जो हैं मात्र 100 रुपये में दे रहे हैं जी। मार्केट में अब जाइएगा 160 180 200, लेकिन सारा हम लोग मात्र 100 रुपया में ये पौधे दे रहे हैं। और हमारा पार्क देखिए, पार्क में अब आपका पॉपअप लग गया है, कुछ देर बाद हम इसको चालू करके आपको दिखाएंगे। और पॉपअप के चारों तरफ जितना भी पॉइंट है पॉपअप का, वहाँ हमने माने उसके चारों तरफ तरह तरह का फूल लगा दिया है कि जिससे उस सेफ भी रहेगा, लोग को ठोकर भी नहीं लगेगा। और पार्क में तैयारी चल रहा है सब, चारा किनारे किनारे पौधे भी जमीन पर है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, जैसे ही कुछ बड़े होंगे तो ये बड़े ही खूबसूरत लगेंगे। हाँ हाँ, और चारों तरफ किनारे किनारे हम लोग देखिए ये पौधा लगा चुके हैं, दोनों तरफ लगा चुके हैं और अब उस पीछे लगाने जा रहे हैं। और कुछ देर बाद आपको पॉपअप चालू करके हम दिखाएंगे कि कितना फवारा जब चलेगा तो कितना मनोरम मतलब दृश्य यहाँ रहेगा। और जगह जगह हम लोग झोपड़ी नुमा बैठने के लिए सेट बनाएंगे और बांस का ही उस पर मतलब हम लोग बैठने के लिए जगह बनाएंगे जहाँ लोग बैठेंगे शाम में और ये फवारा चलेगा, चारों तरफ फूल खिले रहेंगे और बच्चे यहाँ झूला झूलते रहेंगे। अभी तो झूला लग गया है, स्लाइड लग गया है, सीसो लग गया है और अब हम लोग लगाने जा रहे हैं बच्चे जिस पर जंप करते हैं, ट्रेम्पोलियन जो होता है उसको भी हम लोग लगाने जा रहे हैं जिस पर आएंगे बच्चे और जंप भी करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए कि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और चलिए, ये थोड़ी सी प्रोग्रेस थी और बहरहाल जो कड़कनाथ की रेसिपी है वो बनने वाली है, उसे भी खा के मैं टेस्ट करूंगा और बताऊंगा। तो वो कहाँ बनती है सर? उधर पीछे बनती है। हाँ हाँ, वहाँ पीछे बनती है और हम लोग जो बनाएंगे एकदम लकड़ी और गाय के, जो हमारा देसी गाय है उसके गोइठा से, गोइठा और लकड़ी से हम लोग आज तैयार करेंगे। और देखिए खाँ, और सामने मैं तो गया भाई बोला कि कड़कनाथ, और इसी तरह जो आपने वीडियो में देखा, अपनी मनपसंद की मुर्गी चुनो और बनवा करके खाओ। तो ऐसा व्यवस्था मुझे नहीं लगता है कि आप कितने भी शहरी होटल में चल जाएं तो ये व्यवस्था कोई करके नहीं देगा। और लकड़ी पे बना हुआ जो मटन या मुर्गा या फिर बटेर जो भी चीज़ें हैं, खास करके जो मांस पकता है उसकी तो बात ही अलग होती है। और ये शायद देहाती किचन इसी टाइप का है। जी जी, यही देहाती किचन है और यहीं पर अभी बनेगा। और इसके अलावा भी आप यहाँ देसी मुर्गा भी आप अपने से पसंद कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं और उसको हम लोग बना के देंगे, साथ में टेर बना के देंगे। और अब यहाँ मेरे यहाँ मुर्गी सब अंडा देने लगी है, बत्तख भी अंडा देने लगी है, तो मुर्गा और बत्तख दोनों का अंडा भी आप अपने से भी जाके ला सकते हैं और बना भी सकते हैं। और यहाँ लोग हैं जो कि खाना हो, ऑमलेट खाना हो, कुछ भी खाना हो, अंडा से कुछ भी खाना हो। और मेरा मशरूम भी अब तैयार होने वाला है, एक सप्ताह बाद मेरा मशरूम भी तैयार हो जाएगा। भेज वाले लोगों के लिए भी ऑप्शन है। जी जी, भेज वाले लोगों के लिए भी ऑप्शन है। और देखिए, हम बगान से भी तुड़वा के मंगवा रहे हैं, मेरा एकदम
देखिए, ये देखिए ऐसी ऐसी, मतलब अगर आलू गोभी का दम खाना है तो एकदम बगान से तुड़वाइए। और देखिए खेत का गोभी, खेत का टमाटर जरा दिखा दो भाई, तो एकदम नैसर्गिक जो ऑर्गेनिक चीज़ है ना, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है भाई, धमाका है धमाका, तो शानदार। और देखिए किचन जो है ना कितना सिंपल है, एक देहाती किचन आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब ये कड़कनाथ यहीं पे इसी चूल्हे पे बनेगा, और ये चूल्हा का जो इंतज़ाम है कहाँ से आप करेंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो एक गांव वाले माहौल में बैठ करके और कुकिंग का भी आप मज़ा लीजिए, देख भी सकते हैं क्या सर। तो चलिए कड़कनाथ की अब लगभग सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो चलते हैं देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए भाई यहाँ पे कड़कनाथ जो है बनना शुरू हो गया है, और पहले तो आपको दिखाऊं कड़कनाथ जो छिलने कटने के बाद जो है, ये देखिए ये बिल्कुल जो है ना वो थोड़ी सी ब्लैकिश होती है इसकी मीट, पूरा ब्लैक तो नहीं होता है लेकिन वाइट और ब्लैक का मिक्सचर, ग्रे कहिए, आप देख सकते हैं ये नज़दीक से, तो इस तरह का जो है मांस दिखेगा। तो कलर भी ये थोड़ा डिफरेंट होता है, आमतौर पे ये रेड मीट नहीं है, और इसकी मीट भी है एक तरह से थोड़ा ब्लैक कलर की होती है। और क्या नाम हुआ सर आपने, अपना क्या बताया? जी राकेश पटेल हो गया। राकेश पटेल जी, जी आप ही बनाते हैं हमेशा यहाँ ना जी। और देखिए यहाँ पे फोरन के लिए कड़ुआ तेल का इस्तेमाल किए हैं जी जी, कड़ुआ, और जो आमतौर पर हम लोग बनाते हैं घरों में, और इसमें जो तड़का के लिए तेज पत्ता डाला है इन्होंने, और लाल मिर्चा, और शायद जीरा भी डालेंगे जी, जीरा जी। तो यहाँ पर फोरन लगाया जा रहा है, और इसकी जो कड़कड़ाने की आवाज़ है वो बहुत खूबसूरत होती है, आपको अभी से ही मन में लालच आ रहा होगा। तो लगभग जो बनाने का स्टाइल देसी मुर्गा का है जी, उसी स्टाइल में ये बनाया जाता है जी। स्टाइल तो वही है, सेम वही, सिर्फ खाने का फर्क अलग है, खाने का फर्क अलग है जी जी। आप खाया है कभी? जी बहुत बार खाए हुए हैं। क्या आपके हिसाब से क्या फर्क आता है? देसी मुर्गा खाने का स्वाद अलग और कड़कनाथ खाने का स्वाद ही अलग है, एक बार खा लीजिएगा ना तो देसी मुर्गा का स्वाद भूल जाइएगा। चलिए तो आज तो खा के भाई देखना पड़ेगा। और तेल गरम हो जाता है जब फोरन कड़कड़ाने लगेगा, हाँ काली मिर्च डाल रहे हैं जी। तो जीरा, गोलकी, तेजपत्ता, मिर्चा आमतौर पे स्वाद बढ़ाने के लिए कड़ुआ तेल में जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें तो फोरन लगाना ही पड़ता है। और ये पिसी हुई हरी मिर्च और अदरक और लहसुन भी है जी, लहसुन अदरक, इसको कूच दिया है इन्होंने। और ये सबसे पहले प्याज डालने से पहले ये इसमें ये जाएगा, यानी कि मिर्चा, अदरक और लहसुन का। और फोरन डालते ही जो खुशबू आई है ना अभी, ज़बरदस्त एकदम भर गया है, मतलब एकदम लग रहा है कि वाह कुछ काफ़ी टेस्टी बनने वाला है यहाँ पे। और देखिए जब गर्म हो जा रही है तो इसमें जा रही है प्याज, और प्याज को अब इसमें करेंगे, मिलाएंगे, सौते करेंगे। और कब तक प्याज भूनते हैं लाल होने तक? मोटा मोटी 10 मिनट। 10 मिनट जी। तो इस फोरन में अभी प्याज की भुनाई होगी, और इतनी अच्छी खुशबू, एक तो ये लकड़ी का जो आग है दिखने में ही आपको ओवरऑल मिला के एकदम मस्त लग रहा होगा। ये किस चीज़ के लिए जलावन है? जी सागवान का जलावन है। सागवान का जलावन है। जी, जी अरे वाह। और प्याज को डाला और इसमें डाला हमने नमक, स्वाद अनुसार नमक डालिए जितना नमक खाना है, वो प्याज जल्दी गल जाएगा जी। तो प्याज को गलाना इम्पॉर्टेंट होता है, तो आमतौर पर प्याज को गलाने के लिए कुकर का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है, लेकिन जो लकड़ी के आग पर जो बनता है और उसमें जो प्याज भुनी जाती है और जो खुशबू आती है एक स्मोकी फ्लेवर लेके आती है। और 10 मिनट तक इसमें प्याज जो है भूनेंगे। आपका घर कहाँ पड़ा, तब तक बातें करते हैं आपसे जी। सीतामढ़ी घर हो गया मेरा, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट हो गया, घर मेरा मसिया हो गया। अच्छा जी, मसिया, मसिया कहाँ, सीतामढ़ी में? जी नहीं, सीतामढ़ी मेरा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, घर हो गया मसिया, महेशिया जी, रीगा से 7 किलोमीटर हट के। तो खाना पीना बनाने से कैसे जुड़े हैं? खाना पीना हम पहले से हम बनाते थे, हलवाई का काम करते हैं ना। अच्छा जी, हलवाई काम करते हैं, इससे शादी ब्याह का भी काम करते हैं घर पे। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी नौकरी लग गई है? जी अभी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं। वाह, उम्मीद है आपकी बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे लोगों को। अभी पूरा उम्मीद हम लेकर चल रहे हैं सब, जितना हम हमसे पार लग रहा है उतना हम अच्छा बनाकर खिला रहे हैं जी, जी जी। आगे की बात तो हम नहीं जानते, अब कब क्या होगा। आज हम आपका हाथ का बना खाते हैं, उसके बाद हम दर्शकों को बताएंगे कि कैसा बनाते हैं आप। तो भुनाई का कार्यक्रम है, चल रहा है, तो भाई बढ़िया से जो है ना प्याज की भुनाई हुई है,
और ये लगभग 7-8 मिनट इन्होंने बड़े अच्छे से इसको भुना है। और ये देखिए जा रहा है माल, माल बोले तो कड़कनाथ, और ये कड़कनाथ जो है सीधे गया गरम गरम लाल भुने हुए प्याज में। और अब इसकी भी भुनाई होगी है ना, कितनी देर भुनेंगे? मोटा मोटी 15-20 मिनट इसको भी भुनेंगे। अच्छा, तो सीजने में इसको टाइम लगता है क्या जी? कितना देर लगता है? ये आधे घंटे तक तैयार आपको मिल जाएगा। आधे घंटे में ये तैयार हो जाता है जी? यानी कि प्याज जब भुना गया, 10-15 मिनट मसाला पकने में टाइम लगता है ना जी? जी जी। तो देखिए दोस्तों, घर पर भी अगर आप कुकिंग करें तो इसी तरह से करिए, प्याज को लाल भून लीजिएगा और उसके बाद जब है कड़कनाथ डालने का बारी आए तो उसे डालिए, और डाल करके फिर इसको हमको लगता है कि 7-8 मिनट फिर इसको आप भुनेंगे जी। और लगभग वही जो देसी मुर्गा में सीजने में जितना वक्त लगता है उतना ही इसमें भी लगता है? सेम टू सेम वही टाइम है। अच्छा जी। और मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर कोई घर में बर्थडे वगैरह भी है ना तो बच्चों को लेकर यहाँ आए और इसी तरह से जो है ना कुकिंग करवाएं, बड़ा मज़ा आएगा। और ये गया हल्दी, तो अब इसमें मसाले डाले जा रहे हैं, हल्दी इन्होंने डाल दिया है और अब डाल रहे हैं इसमें लाल मिर्च पाउडर। और ये सब तो थोड़ी सी आप अपने हिसाब से करें, हम लोग थोड़ा सा तीखा भी चलता है, जिनको तीखा नहीं खाना है वो अपना थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। हालांकि सोनू भाई को थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो भाई आपसे आग्रह है कि थोड़ा मिर्चा कम ही डालिएगा, लेकिन जब मांस की बात आती है तो थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये आपने डाला ज़ीरा पाउडर ना? धनिया पाउडर। धनिया पाउडर, अच्छा सॉरी। और ये गया धनिया पाउडर अभी, और धनिया हल्दी मिर्चा डाल के, और देखिए मतलब बड़ा ही स्वाद का जो उभरने का जो एक तरीका होता है ना, कि आप धीरे धीरे मसालों को डालते रहें और उन्हें हल्के से पानी में भूनते रहें, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उन मसालों का स्वाद जो है वो मांस के अंदर उभर के सामने आएगा। और देखिए अब इसमें डाला जा रहा है लाल मिर्चा, तो डाल दिया कश्मीरी मिर्च। अच्छा, तो कश्मीरी मिर्च, जनरली लोग कश्मीरी मिर्च खूबसूरत लगने के लिए, कलर इससे बढ़िया आता है, कलर के लिए है। हाँ, कलर के लिए ये कश्मीरी मिर्च इन्होंने डाला, और ऐसा नहीं है कि कड़कनाथ ब्लैक है तो इसमें कलर नहीं आएगा इसमें भी कलर आता है भाई। ये जीरा पाउडर डाला आपने जी? जीरा पाउडर है जी। तो हमारे दोस्त जो आमतौर पर देसी मुर्गा बनाते होंगे, तो अभी तक कुछ ऐसा इसमें नहीं इस्तेमाल किया गया जो यूनिक हो, अब अपने अपने हाथ होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। और ये आप देख रहे हैं सीतामढ़ी इनका घर पड़ा, सीतामढ़ी पड़ा ना जी? जी सीतामढ़ी घर। हाँ, अब वहाँ के ये हैं और शादी ब्याह में भी ये खाना बनाने का काम करते थे, और यहाँ पर कुकिंग कर रहे हैं अब नौबतपुर के गांव में। तो आशा की जा रही है कि वही स्वाद जो है, जैसे आप पार्टी वगैरह में भोज में खाते हैं, वही स्वाद यहाँ भी आपको मिलेगा। ये काली मिर्च है। जी जी काली मिर्च है। तो कश्मीरी मिर्च, जीरा पाउडर और काली मिर्च, ये तीन चीज़ें फिर पड़ी है, और फिर ये तीन डाल के इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और आग पे ये पक रही है। और हल्का पानी डालने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, देख सकते हैं कि ये नीचे थोड़ा सटेगा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक ये सटा रह गया ना तो जलने का खतरा रहता है। और ये गरम मसाला, तो अभी डाला इन्होंने गरम मसाला, और इसे फिर थोड़ी देर इसको जो है सारे मसालों के साथ इसे बढ़िया तरह से मिक्स करके चलाएंगे। और प्याज भी गल रही है, और कड़कनाथ भी जो है वो सींझ रहा है, धीरे धीरे पक रहा है। और आम तौर पे अभी भुनाई का कार्यक्रम जो है 8-10 मिनट तक यूँ ही चलेगा, और इस तरह से आप भी घर में कुक करेंगे ना तो बड़ा स्वाद आएगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये टमाटर जो अभी खेत से लाए थे वो कटिंग हो रही है, और ये टमाटर और ये धनिया पत्ता जाएगा इसमें। बहुत लोग टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बहुत लोग जो हैं टमाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। नमक है जी, ये नमक डाल रहे हैं जी। और ये देखिए यहाँ पे पड़ा अब धनिया पत्ता, बहुत अच्छा कलर आ रहा है, आप थोड़ा नज़दीक से देखेंगे ये कितना सुंदर कलर आ रहा है, आप देखिए अब इसका कलर देखिए कितना सुंदर आ रहा है। और प्याज भी लगभग 60% जो है वो गल चुका है, तो ये काफ़ी अच्छे से जो है मसाले जो है भुन भी रहे हैं, प्याज भी पक गए हैं लगभग, और कलर भी और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। अब ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, आई थिंक कि इसमें भुनने के बाद पानी डाल के और उसके बाद थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे तो ये हम लोगों का डिश रेडी हो चुका होगा। लगभग वहीं 15 मिनट हो गया है। और तो भाई भेज वालों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस हैं, दाल भात सब्जी अचार सब तरह की यहाँ वैरायटी है, और बिल्कुल नेचुरल खेत वाला जो है वहाँ जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं वो उसकी आपको बनाकर यहाँ सब्जी खिलाई जाएगी। बड़ा ये देहाती चूल्हा के करीब ही मैं बैठा हुआ हूँ,
और इसमें देख रहे हैं मस्त कड़कनाथ बन रही है, और कलर देख के तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है, वाह। और ऐसा नहीं है यार कि मतलब कड़कनाथ ब्लैक होता है तो उसकी मीट भी बनने के बाद उसका जो ग्रेवी होता है वो ब्लैक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देख सकते हैं आप ये ग्रेवी जो हम लोग आम तौर पे घरों में खाते हैं, देसी मुर्गा या मटन ग्रेवी लगभग उसी कलर की है। हाँ, कड़कनाथ हल्का जो है ग्रे कलर में रहता है। और देखिए थोड़ा मैं भी हाथ साफ़ कर लूँ। तो भाई यहाँ पे अगर कोई आए, ऐसा भी ऑप्शन है क्या कि खुद से अगर बनाना चाहें तो आप लोग बनाना अलाउ करेंगे? जी जी। वाह क्या बात है। और बिल्कुल अब लगभग पानी अब डालेंगे ना सर इसमें? जी जी पानी डालेंगे, तो लगभग हो ही चुका है जी, तो कुछ है नहीं, ये भुन गया है। और इसमें अब डालेंगे ये पानी और उसके बाद 5-10 मिनट के बाद वो हम लोगों को सर्व करेंगे टेबल पे। तो चलिए मुलाकात करते हैं अब सीधे टेबल पे। तो बारी है, टेस्ट करके बताते हैं। सोनू भाई भी हमारे साथ हैं और कैमरे पे हैं और कैमरा दूसरा को थमाते हैं। सोनू भाई आइए और आज कड़कनाथ का मुर्गा चखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं कड़कनाथ का जो है फाइनल जो है ये बन के आया, और इस तरह का जो है कलर दिखाई देगा आपको। और पीसेस देखिए बिल्कुल कमाल के। और ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने हमें बताया था कि कड़कनाथ की ग्रेवी भी काली हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कलरफुल ग्रेवी है और काफ़ी अच्छी ग्रेवी है। तो सोनू भाई स्वागत है आपका भी। अभी तो निकाल रहे हैं, निकाल के फिर अभी स्वाद का हम लोग बताएंगे कि पहले खाए हैं कड़कनाथ आप? ना पहले तो नहीं खाए हैं, मौका मिला है लेकिन। अच्छा। यानी कि दोनों आज जो हैं आज पहली बार कड़कनाथ का सेवन कर रहे हैं। ये क्या है सर, रख दीजिए। अरे वाह क्या बात है, लिट्टी जी। अरे वाह लिट्टी भी आ गया, लिट्टी और कड़कनाथ, वाह क्या बात है। और ये क्या है? चना। अच्छा तो एक बार जरा सा मैं करीब से दिखाऊं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये जो है हमारे साथ ये कड़कनाथ है, ये सलाद है काफ़ी अच्छा जो है, देखिए यहाँ बड़ा खूबसूरती से इन्होंने सजा कर लाया है। रोटियाँ हैं, और ये अभी लिट्टी के बारे में तो मुझे मालूम नहीं था, और ये जो बिहार की शान होती है ये लिट्टी। तो हालांकि चोखा नहीं है तो इसको कड़कनाथ के साथ हम लोग सेवन करेंगे। और ये देखिए चना का ये सब्जी है, हरे चना का। और ये क्या है? ये मिक्स अचार है। मिक्स अचार है, अच्छा। तो ये सब एक्स्ट्रा मिलते हैं यहाँ पे आगंतुकों को, यानी कि आप कुछ भी खाएं तो ये सब का स्वाद भी ले सकेंगे। तो भाई सलाद अचार ये सब जो है आपको अलग से मिलेगा। लाल मिर्च का अचार अभी। अच्छा ये वाली लाल मिर्च का अचार है, अरे वाह क्या बात है। देखिए कितना लुक कितना सुंदर है इसका। और आगे आपको मशरूम का अचार भी मिलेगा। वाह। और सर बोल बता रहे हैं कि मशरूम का अचार भी, तो चलिए निकाला जाए। तो देखिए भाई कड़कनाथ जो है अब हम लोग खाना शुरू करते हैं, बदास के बाहर है। और काफ़ी अच्छा कलर है, और ग्रेवी का जो मेन है कि उसका लुक देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग इसको लिट्टी के साथ ही भाई ट्राई करेंगे, और लिट्टी मुर्गा जो है ना उसका बात ही अलग होता है। सोनू भाई जी, तो चलिए खाना प्रॉपर तो हम लोग बाद में खाना शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे व्यूवर्स इंतज़ार कर रहे हैं उनको बताया जाए। उनको बताना जरूरी। तो ये भाई लिट्टी के साथ थोड़ा सा बाइट लिया जाए, है ना? चाट डाला हुआ है। वाह भाई 100 में 100, मतलब ये जो लिट्टी वाला जो कंसेप्ट आ गया ना यहाँ पे, लिट्टी मुर्गा वो भी कड़कनाथ का, अमेजिंग, एकदम बता नहीं सकते हैं। वो जो एकदम स्मोकी फ्लेवर है जो कि लकड़ी पे बनी हुई है, और बिल्कुल लटर पटर जो है ना इसका, जो बोलते हैं ना बिहारी में रसा हम लोग बोलते हैं रस लाओ, ग्रेवी नहीं बोलते हैं, ग्रेवी थोड़े पढ़े लिखे बोलते हैं हम लोग, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। ये जो रसा में लटपट जो लिट्टी लगा के ये मुँह में गया है ना, और जो स्वाद आया है। हाँ, स्वाद एक बार खाएंगे तो फिर मतलब लगेगा कि बार बार। दीपक सर का सर कोटि कोटि धन्यवाद कि ये जो बिहारी फ्लेवर है ना, जो धरती पे जो जादू है लिट्टी मुर्गा का, वो लेना होगा तो आपको यहाँ नौबतपुर के कराई गांव में आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा स्वाद मेरे ख्याल से आग पर का पका हुआ, जो लकड़ी के आग पर पका हुआ जो कड़कनाथ का और लिट्टी के साथ, वाह मज़ा आ गया। और देखिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से सीझा हुआ है, वो आलू भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं होता, जो परफेक्ट बोलते हैं ना जो पकना, एकदम परफेक्ट पका है, यानी कि ना ज़्यादा गला हुआ है और ना ज़्यादा कच्चा है, एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड है। और स्पाइसेस और जो मसाले की स्वाद है
वो उभर के सामने आ रहा है। क्या सुनो भाई, आप कुछ कहिए, मैंने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मतलब हम तो बता नहीं सकते हैं, और हम पता भी नहीं था कि लिट्टी आएगा। लिट्टी आया तो और इसमें स्वाद जो है कि इतना बढ़ गया है कि एक बार टेस्ट करने की ज़रूरत है सभी लोगों को। और हम भी सोचते थे कि पता नहीं, हम तो इसको ब्लैक बंगाल बोलते हैं कड़कनाथ को, तो ब्लैक बंगाल का कैसा होगा। तो आज देख लिए, टेस्ट बहुत लाजवाब है। मतलब और भी जो मुर्गा खाते हैं आम दिनों में या देसी मुर्गी खाते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा है। और राकेश पटेल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी जरा इधर आइए कैमरे पे। तो राकेश जी से ही भेंट होगी आपको, और राकेश जी यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं 24 घंटे ना जी, जी कभी भी आइए और राकेश जी को आप बना करके बोलिए कि ये हमें खिलाएं, ये आपको खिलाएंगे। तो चलिए भोजन अब करते हैं हम लोग, और जिस तरह हम आके यहाँ देहात में मज़ा ले रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि अब ये एक्सपीरियंस जो है ना आप आकर खुद अपने से लें, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट रहा और बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह के ग्रामीण माहौल में खाना पीना और इन्जॉय करना। तो चलिए दोस्तों, फूडी स्टूडियो के ब्लॉग में बहुत जल्द फिर लेकर आएंगे कुछ नया स्टोरी, कुछ नया रेसिपी, कुछ नए स्वाद का जादू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।